चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, नीचे उसकी तफसीलात हैं। आइए नाज़रीन गिरामी पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। सूरत में मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर बीजेपी के काउंसलर को गिरफ्तार किया गया है। शरद पाटिल को जुमा की देर शाम गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। गुजरात असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान अपना वोट डालने के बाद पाटिल ने वोटरों से बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। अपनी शिकायत में इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर जे एस राणा ने कहा कि उन्हें जो वीडियो क्लिप मौसूल हुई है उससे जाहिर होता है कि पाटिल ने वोधना हल्के के पोलिंग स्टेशन नंबर 176 पर मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी की थी। इधर नाज़रीन गिरामी, कॉमनवेल्थ गेम्स में तलाई तमगा जीतने वाले लक्ष्या सेन मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक पुलिस ने बैन अवी बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के खिलाफ उनकी उम्र के बारे में गलत जानकारी देने के इल्ज़ाम में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने हफ्ते के रोज़ ये जानकारी दी। शहर में बैडमिंटन अकेडमी चलाने वाले नागराजा यमजी के जरिए दाखिल एक शिकायत की बुनियाद पर जांच शुरू की गई है। शिकायत में कहा गया है कि लक्ष्य सेन की पैदाइश 1998 में हुई थी लेकिन उसने गलत तरीके से 2001 को अपनी पैदाइश बताई है। इधर नाज़रीन गिरामी, गुजरात के साबिक वज़ीर आला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आरएसएस के साथी शंकर सिंह वाघेला रियासत में बीजेपी के मूवर्स एंड फेकर्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। खुलकर बयान देने के लिए मशहूर वाघेला ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में यह कहकर सनसनी पैदा कर दी थी कि 2002 में गोधरा के मुसलमानों के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस के किस डब्बे से लौट रहे हैं। आर के मिश्रा से खसूसी गुफ्तगू के दौरान वाघेला ने कहा कि उस वक्त के वज़ीर आला के पास गोधरा वाक़े से कब्र जाहिर करने के लिए कुछ भी नहीं था। गोधरा के बाद जो कुछ हुआ वो तारीख़ है और हर इलेक्शन से कब्र ये ख़ुद को दोहराता रहता है। और उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो है एक इंटरव्यू में साफ़ और वाज़ह तौर पर बयान करके गोधरा से किस तरह फ़ायदा उठाया गया उसको बयान करने की कोशिश की है। इधर नाज़रीन गिरामी, मरकज़ की मोदी हुकूमत ने गुजरात फसादात से मुतालिक बल्कीस बानो केस के कसूरवारों को माफ़ी देकर रिहा कर दिया है लेकिन गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में रियासत की बीजेपी हुकूमत इन लोगों की जमानत की भी मुखालिफत कर रही है जिन पर से पथराव का इल्ज़ाम था। ये मुलजिमान तकरीबन 17 साल से जेल में कैद हैं जबकि उनकी दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में 2018 से ज़ेरे इल्तवा है। इधर नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश के धार ज़िले के धामनोद इलाके में शादी की तकरीब में खाना खाने से 100 से ज़ायद अफराद बीमार हो गए हैं। इन लोगों ने उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत की, उन्हें फौरी तौर पर इलाके के सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों में दाखिल कराया गया। धामनोद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बी आर कौशल के मुताबिक तकरीबन 20 लोगों को सरकारी सेहत मरकज में दाखिल कराया गया जबकि दीगर को मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। इधर अमरीका ने पाकिस्तान को साल 2022 के दौरान मजहबी आज़ादी की शदीद खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त करने या उसमें मुलव्वस रहने वाले ममालिक की फहरिस्त में बरकरार रखा है। ब्राउन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया भर में हुकूमतों गैर सरकारी क़वतों ने अपने अकायद और मजाहिब की बुनियाद पर कई लोगों को हरासा खौफजदा किया और जेल में बंद करने के साथ साथ उन्हें कत्ल भी किया गया। नाज़रीन, दर गुज़श्ता 3 सालों के दौरान मुख्तलिफ माशरों के चंद अहम तरीन शोबों में बहुत ज़्यादा भूचाल आया। ये शुरुआत कोरोना की मुहलिक आलमी वबा से हुई और उसके बाद रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया भर में इक्तिसादी बहरान कसाद बाजारी और तवानाई के बहरान को जन्म दिया है। सबसे ज़्यादा मनफी असरात दुनिया भर में रोज़गार की मंडी पर मुरतब हुए। अमरीका जैसा मुल्क जिसमें हर तरह की सनत और शोबों में काम करने वालों के लिए कभी रोज़गार के बहुत मौके हुआ करते थे, वहाँ कसाद बाजारी और तवानाई के बहरान की वजह से बहुत सी कंपनियों ने मुलाजिमतों में कटौती शुरू कर दी। अमरीका में हर शोबे और कंपनी में काम करने वालों का एक अच्छा खासा बड़ा तनासब एशियाई वर्कर्स पर मुश्तमिल हुआ करता था।
अमेरिका में टेक्निकल कंपनियों ने मुलाजिमतों में कटौतियां शुरू की तो इस फील्ड में काम करने वाले हज़ारों गैर मुल्कियों के रोज़गार के दरवाजे बंद होना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका की टेक कंपनियों की तरफ से हज़ारों कारकुनों को मुलाजिमतों से फारिग किए जाने की वजह से बैरून मुल्क ख़ास तौर से एशियाई ममालिक से अमेरिका जाकर काम करने वालों की मुलाजमतें बिलखसूस हिंदुस्तान से जाकर के काम करने वालों की मुलाजमतें गैर मुतनासिब तौर पर मुतासर हुई हैं। वाज़ेह है कि एशियाई आईटी माहिरीन ज़्यादातर वर्क वीज़ा पर अमेरिका में हैं और अब उनकी मुलाजमतों के ख़त्म होने से उनके सरों पर बेरोज़गारी का पहाड़ आ गिरा है। नाज़रीन, इधर पीओ रिसर्च सेंटर ने कोरोना वायरस के वबा के दौरान सन 2020 में दुनिया की 198 मुल्कों में मुख्तलिफ फ़िरकों के दरमियान मुनाफरत की सूरत हाल के हवाले से एक तहकीकती रिपोर्ट जारी की है। समाजी मुनाफरत इंडेक्स SEHI के नाम से इस रिपोर्ट में 11 ममालिक में मुनाफरत बहुत ज़्यादा पाई गई। तहम मुनाफरत के लिहाज से भारत सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त रहा। जिन 11 ममालिक में मुनाफरत बहुत ज़्यादा पाई गई उनमें भी तरतीब नाइजीरिया, अफगानिस्तान, इसराइल, माली, सोमालिया, पाकिस्तान, मिस्र, लीबिया, शाम और इराक शामिल हैं। पीओ रिसर्च सेंटर का कहना है कि भारत में समाजी मुनाफरत इंडेक्स का स्कोर पहले ही बहुत ज़्यादा था। उसकी एक वजह शहरियत तरमीमी कानून CA के ख़िलाफ़ होने वाले एहतजाजी मुजाहरे भी शामिल हैं। इधर नाज़रीन, में अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने के कंपाउंड पर हमला हुआ जिसमें मिशन के सरबराह उबैदुररहमान निज़ामानी को निशाना बनाया गया। तहम महफूज है जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है। इधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी इलाके में हफ्ते की सुबह 6 मंजिला इमारत के तहखाने में आग लग गई। आग लगने से इमारत में रिहाइश पेजी रहले खाना खौफ व हरास में आकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग के बेसमेंट पर लगे होने के सबब नीचे उतरना बाहर निकलना मुश्किल था। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीढ़ी लगाकर दोनों को ऊपर वाले फ्लैट से बाहर निकाला है। इधर नाज़रीन, में इलेक्शन कमीशन पर तबसरा करने पर SP लीडर आज़म खान के खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आज़म के खिलाफ 2 दिनों में लगातार दूसरा मुकदमा है। इससे पहले आज़म खान के खिलाफ गंज कोतवाली में खवातीन के बारे में तबसरा करने पर रिपोर्ट हुई थी। 1 दिसंबर को आज़म खान ने खेले के मैदान में SP उम्मीदवार आसिम राजा की हिमायत में जलसेआम से खिताब किया था। जलसेआम में SP के कौमी सदर अखिलेश यादव भी मौजूद थे। इधर नाज़रीन, में उत्तर प्रदेश में चचा भतीजे के दरमियान सुलह हो चुकी है लेकिन BJP को 440 वोल्ट का करंट लग गया है। मैनपुरी लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवार अखिलेश यादव डिम्पल यादव ने जब दरख्वास्त की तो शिवपाल यादव ने पिघल गए। बहू की जीत को यादव ख़ानदान के लिए वक़ार का मसला बताते हुए उन्होंने BJP उम्मीदवार पर शदीद तनकीद कर दी। पूरे माजी को खंगाल डाला कि किस तरह रघुराज सिंह शाकिया ने उन्हें धोखा दिया। पलक झपकते ही सारे एहसान भूल गए। SP ने क्लर्कों की नौकरी से लेकर MLA और MP सब कुछ दिया लेकिन BJP के साथ चले गए। तरक्की रघुराज सिंह शाकिया की शनाख्त इलाके में शिवपाल की ज़्यादा करीबी की रही है। तहम शिवपाल यादव के शामिल होने से जहाँ अखिलेश यादव की मैनपुरी सीट बचाने की फिक्र कुछ कम हुई वहीं BJP के माथे पर बल पड़ गए हैं। इधर नाज़रीन ग्रामीण, तुर्किया कोस्ट गार्ड कमांड ने इतला दी है कि 1 हफ्ते में 743 गैर कानूनी तारकीन ने वतन को समंदर में डूबने से बचा लिया। कोस्ट गार्ड कमांड के बयान में कहा है कि गैर कानूनी नकल मकानी से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड कमांड की 24/7 जानकारी कार्रवाई में 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 के दरमियान पेश आने वाले 30 वाक़ात में कुल 743 गैर कानूनी तारकीन ने वतन पकड़े गए या फिर जिंदा बचा लिए गए। इधर यमन के सूबे हज़रमौत में नमाज जुमा के दौरान दस्ती बम के हमले में 5 अफराद जहाँ भाग होने 20 अफराद जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। यमनी मकामी प्रेस की खबरों के मुताबिक हज़रमौत सूबे की तहसील यबूस में यह मस्जिद पर दस्ती बम से हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि दौरान नमाज जुमा होने वाले इस हमले में 5 अफराद लुख्मे अजल बने तो 20 अफराद जख्मी हो गए। इधर नाज़रीन ग्रामी, दहशतगर्द जालिम और पूरी दुनिया में अपने आतंक मचाने वाली जालिम इसराइली पुलिस ने एक फिलिस्तीनी को गोली मार करके शहीद कर दिया है। इस फिलिस्तीन पर इस जालिम इसराइली ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने चाकू से हमला करके एक पुलिस अहलकार को ज़ख्मी किया था जबकि पुलिस अफसर से बंदूक छीनने और फिर उसी बंदूक से मारना चाहता था। इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हुए उस पर जो है इस पुलिस ने हमला किया जो दहशतगर्द पुलिस है इसराइल की। फिलिस्तीनियों की तरफ से इसराइली पुलिस अफसर की इस कार्रवाई को फिलिस्तीनी के बिलाजवाज़ कत्ल का नाम दिया। इसकी मुजम्मत की गई। फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने फिलिस्तीनी नौजवान की शहादत की तस्दीक कर दी है और जालिम इसराइली पुलिस के इस जुल्म सितम की कहानियां वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं, आवाम के सामने आ रही हैं लेकिन इस सिलसिले में कोई भी बात करने वाला नहीं है। निगरामी, शहर बेंगलुरु के मशहूर मारूफ समाजी फलाही इदारा मर्सी एंजल्स
इस वक्त सुर्खियों में है। वजह उसकी है कि उन्होंने 100 साल बुज़ुर्ग को उनके बिछड़े ख़ानदान से मुलाकात कराने में खूब जद्दोजहद की। दरअसल दुर्गा प्रसाद इनका नाम है और नाबीना भी हैं। कुछ साल पहले ये बिछड़ गए थे और तब से उनकी फैमिली उनको जो है खोज रही थी। मुख्तलिफ इलाक़ों से होते हुए बिलाखिर दुर्गा प्रसाद वो जो है यहाँ बेंगलुरु पहुँचे थे। और मर्सी एंजल्स के जनाब तनवीर अहमद हों, नवीद इरफान, तौसीफ़ इब्राहिम, फेरोज, इन तमाम लोगों ने मुसलसल काविशें की और बुज़ुर्ग दुर्गा प्रसाद को सोशल मीडिया के ज़रिए से और मुख्तलिफ किस्म के ऐलानात और बयानात के ज़रिए से उनके अहले खाना को तलाश करने की कोशिश की। तो बिलाखिर जो है दिल्ली में मुकीम रंजीत कुमार, जो कि दुर्गा प्रसाद के पोते हैं, वो जो है जो जियो इंडिया में काम करते हैं, उनको जो है इसका पता चला और वो बेंगलुरु आए और फिर उनको ले जाने लाने का इंतज़ाम भी इसी मर्सी एंजल्स की जानिब से किया गया था। एक NGO है जो कोरोना वबा के दौरान भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की खिदमत की थी और बे इंतहा खिदमत की थी। बिलखसूस ट्रेन के ज़रिए से जो सफ़र करना चाह रहे थे दीगर रियासतों को, उनको खाने पीने का इंतज़ाम हज़ारों की तादाद में जिस तरह हर दिन कर रहे थे, उस वक्त मर्सी एंजल्स अचानक सुर्खियों में आई थी। आज ये बिछड़े हुए दादा को पोतों से उनके ख़ानदान वालों से मिलाना, ये मंज़र भी काफ़ी जज्बाती रहा और मर्सी एंजल्स की जानिब से इस कार खैर में भरपूर तआवुन भी रहा, जिसको लेकर के इस वक्त लगातार जो है इनकी सराहना हो रही है। आप कार खैर में कई अरसों से जुड़े हुए हैं, आज आपका दिन है कि आप किसी को यूनियन कराया है यहाँ पे, कैसा महसूस करते हैं इसको लेकर के? खुशी हो रही है कि समस्तीपुर के दुर्गा प्रसाद जो रमणीकहार इसके हैं, उनके भाई के पोते रंजीत आज बेंगलोर आए हुए हैं। वो अपने दादा से मिले, काफ़ी इमोशनल एक मिलाप था। अभी जब वो घर ले जाएंगे फ्लाइट में और घर पहुंचेंगे, हमें यही आशा है कि वो सुख शांति से अपने घर पहुंच जाएं। और इस पूरे कार्य में बहुत लोगों ने मदद की, क्योंकि पहली बार जब हम आए, मेरे साथ फिरोज़ खान, इब्राहिम थे, हम जब रिकॉर्ड किए इनको, थोड़ा बहुत हमको पता चला कि ये बिहार के हैं, समस्तीपुर के हैं। फिर हम वापस गए और हमारे दोस्त आनंद मिश्रा से बात किए, फिर वो अपने साथी और क्लोज़ एक बाबूकांत मिश्रा जो यहीं नीलमंगल में ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, उनका कनेक्ट दिया, तो वो जब अगली बार उनके साथ आए तो और क्योंकि भाषा बिहारी भाषा मैथिली भाषा उनको आती थी, तो उसमें बहुत ही आसानी से हमको वो ट्रांसलेट करके समझा सके कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जब बहुत सा इन्फॉर्मेशन मिला तो हमारे नेशनल लॉ स्कूल के हमारे ज़ीशान रिजवी, उन्होंने अपने दोस्त जो समस्तीपुर में उनके का कनेक्शन है उनसे शेयर किया। फिर तौसीफ जो ERT टीम में हैं, वो समस्तीपुर के MP प्रिंस राज, उनके सेक्रेटरी, फिर प्रेम कुमार जहां वहां के MLA, फिर वैसे ही गोरख पासवान, यानी बहुत लोगों से उन्होंने कनेक्ट किया। फिर एक पैरेलल में हमारे नवीद भाई ने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उनसे कनेक्ट किया। फिर हमारे नेहाल और जयपाल शर्मा, उन्होंने वहाँ के पत्रकारों को, रमेश और दूसरे NDTV के पत्रकारों को उनसे कनेक्ट किया। तो ये सारा कंबाइंड एफर्ट से हमको उनकी फैमिली ट्रैक हुई और उनके जो पोते हैं बहुत ही कोऑपरेटिव थे। 2-3 हफ्ते से उनसे बातचीत चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, ले जाना चल रहा था, उनका डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं था, ID कार्ड नहीं था, तो IS ऑफिसर्स और पुलिस स्टेशन से वो बनवाना था। सो ये एक प्लान्ड इसमें वो भी कोऑपरेट कर रहे थे, बहुत ही कोऑपरेट कर रहे थे, तो आज वो घड़ी आई है जब हम उनको ले जा रहे हैं यहाँ से। You are trying to say your mission is accomplished today? It is a satisfaction. There is जो भी लोग इसमें साथ दिए उन सभी को मैं धन्यवाद भी कहता हूँ और उनको भी मुबारकबादी देता हूँ। वो पहचान रहे हैं, इनका जो नानी का घर है सीतामढ़ी, वो भी बता रहे हैं, सारा चीज बता रहे हैं। किस किस को पहचान लिया अब तक? ये अभी मेरे पापा को पहचान लिया, मतलब अपने भतीजा को, तीनों को पहचान लिया, मेरी मम्मी को भी पहचान लिया। उसके बाद ये अपने नानी का घर बता रहे हैं जो है। अभी हम अपने
पापा से कंफर्म भी किए हैं कि सीतामढ़ी में इनका नानी का घर है, तो वो बोले हाँ सीतामढ़ी में शंकर चौक के पास में, ये भी इनको मालूम है, लगभग सबको पहचान गए हैं। इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं? हाँ इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, खुश हैं। हाँ बहुत खुश है, ये कह रहे हैं कि घर कब जाना है, हम बोले कल जाना है सुबह में। हाँ ये घर जाने के लिए ये है, उत्सुक हैं काफी। हाँ हाँ ये घर जाने के लिए बिल्कुल ये है, तो हम भी इनको बहुत खुश है ले जाने के लिए, और यहाँ पे भी बहुत सहयोग मिला है, और सबसे ज़्यादा तो हमें तनवीर अहमद सर के आभार रहेंगे सबके कि हमारे परिवार से मिलाए हैं वो, क्योंकि अगर वो माध्यम नहीं होते तो शायद नहीं मिलते। हम लगभग 10-15 दिन से इनके टच में है, सारा व्यवस्था यही करती है, मुझे आने का भी इनको ले जाने का सारा व्यवस्था उन्हीं का है किया वो, और मतलब एक तरह से समझिए कि हम ये समझ रहे हैं कि भगवान के रूप में मिले हैं वो, जो परिवार से मिलवा दिए। हम लोग तो मान चुके थे 30 साल कम नहीं होता है, 30 साल बहुत होता है, 30 साल से मिसिंग है तो मर गए होंगे ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन अब मर्जी थी भगवान की और ये सर हैं तो मिल गए, तो बहुत खुश है। सब घर पे भी बात करवा दिए और लगभग अब बात करने से सबको पहचान भी रहेंगे, तो अच्छा भी है। अब अपना घर लेके जाएंगे और जो भी इनका सेवा है वो सब करना है, तो बस कोई रिलेशन में होंगे वहाँ से ये फिर चले आए। हाँ कोई, हाँ कोई लेकर के चला आए, ये बोले भी उनको कि छोड़ दीजिए, तो वो लेकर जब से चले आए। हमें इधर KGF बाबू का जो है सियासी सफ़र लगातार जारी है, और बेंगलुरु के चिकपेट हलके के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है उनकी रोज़ाना का जो सर्वे चल रहा है और गरीब गुरबा तक पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और आवाम भी इस वक्त KGF बाबू को मुकम्मल तआवुन करते हुए उनकी तारीफ़ में जो है चूक नहीं रहे हैं। दरअसल आज जो है पसमानदा इलाके माने जाने वाले तिलक नगर बैरसंदरा वगैरह में KGF बाबू ने दौरा किया था, वहाँ के लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी जो है मसाइल को समझने की कोशिश की, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की, और उस मौके पर जिन लोगों ने अपनी परेशानियाँ रखी हैं वो चाहे किसी भी तरह की सहूलियात हो उसको मुकम्मल तौर पर हल करने की जो यकीन दहानी भी दी, और यहाँ पर चेक वगैरह तकसीम करने के जो वादे थे उसको भी किया और आगे भी करने की उन्होंने यकीन दहानी की, जिसकी वजह से इस वक्त जो है लगातार KGF बाबू की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है और लोग दिन ब दिन उनके हलके में बड़ी तादाद में जुड़ते जा रहे हैं। आज निगरान में मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को, वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी।